हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज जिस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ड्रीम गर्ल टू। ये बॉलीवुड की रिलीज हुई हाल ही में मूवी है। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है करम से, जो कि पार्ट वन में रामलीला में अभिनय किया करता था, मगर अब वह माता के जगराते गाता है। वह और उसके पिता जगजीत दोनों ही ये काम संभालते हैं, लेकिन इतना काम करने के बावजूद वो अभी भी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। और साथ ही करम जो है वो परी नाम की लड़की से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन इस प्यार के बारे में परी के पिता को मालूम चल जाता है, जिनका नाम जयपाल होता है। लेकिन परी ने अपने पिता से करम और अपनी शादी की बात कर ली होती है, इसलिए परी जो है वो करम के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि कल सुबह तुम्हारे घर मेरे पिता शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था और इसके लिए अभी करम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो परी के पिता जयपाल करम के घर पर आते हैं, जहां पर कि वो परी और करम की शादी की बात करने के लिए आए थे। लेकिन यहां आने पर जयपाल को मालूम चलता है कि करम और उसके पिता जगजीत कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं और उन्हें ये भी मालूम चलता है कि ये लोग बहुत गरीब हैं। इसलिए जयपाल जो है वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि जब तक करम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख और अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह परी से शादी नहीं कर सकता। और शर्त के लिए करम हामी भर देता है, क्योंकि उसे तो परी से किसी भी हालत में शादी करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर करम 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए कैसे जोड़ता है। तो करम का दोस्त इस्माइली और उसके पिता जगजीत उसे सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनाकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि करम जो है वो ठुमके लगाने में एक्सपर्ट है। और करम के पास भी और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पहुंच जाते हैं सोना भाई के डांसिंग बार में। वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग खुलेआम पैसा लुटा रहे थे और यही माहौल देखकर इस्माइली और करम यहाँ पर आए थे। और करम यहाँ पर पूजा के गेटअप में आया हुआ था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोना भाई आ जाते हैं, जो कि पूजा से मिलते हैं। और पूजा से मिलते ही सोना भाई उस पर फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर पूजा को कुछ आता है या फिर नहीं। इसलिए यहाँ पर पूजा जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, जहाँ पर कि सारे आदमियों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। और यहाँ पर सोना भाई के सामने पूजा हिट हो चुकी थी और उन्होंने उसे काम पर भी रख लिया था, और सोना भाई को पूजा बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी। तो अगले दिन करम जब कपड़े सुखा रहा होता है, तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। दरअसल में क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के चक्कर में उसके पास एक बंदा कॉल करके बार बार परेशान किया जा रहा था, इसलिए करम के पिता जो है वो उसे फोन देते हैं। और यहाँ पर करम उस बंदे से पूजा बनकर सुरीली आवाज में बात करता है, और बातों ही बातों में पूजा ने उस बंदे को पटा भी लिया था, इसलिए वो बंदा ही क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं परेश रावल उर्फ अबू सलीम को, जिनके पास इस्माइली आता है। दरअसल इस्माइली जो है वो अबू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है, और यहीं पर हम अबू सलीम के सौतेले बेटे सौकिया को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर अबू सलीम इस्माइली से कहते हैं कि वो तो शादी के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उनकी एक शर्त ये है कि उन्हें सबसे पहले अपने बड़े बेटे शाहरुख की शादी करनी है, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है। उसे एक लड़की ने छोड़कर चली गई थी और तब से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया है। तो इस्माइली के ऊपर अब शाहरुख की जिम्मेदारी भी है, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है और उसके लिए एक लड़की भी ढूंढनी है। और साथ ही में बताया जाता है कि अबू सलीम की एक बेटी है जिसका नाम जुमानी है, और जुमानी का पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई है, और उनका तलाक होने वाला है। तो आगे हम देखते हैं कि इस्माइली जो है वो करम के पास आता है और वो उसे सारी सिचुएशन समझाता है कि शाहरुख को किसी भी हालत में डिप्रेशन से बाहर लाना है और ये काम बस पूजा ही कर सकती है, जिसके कारण करम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन इस्माइली और उसके पिता के कहने पर उसे मानना पड़ता है, जिसके बाद एक बार फिर करम यहाँ पर पूजा का गेटअप धारण करता है। तो फिर अगले ही दिन पूजा पहुँच जाती है अबू सलीम के घर पर साइकाइट्रिस्ट के रूप में, जहाँ अबू सलीम को पूजा तो बहुत पसंद आती है, और कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह से पसंद आने लगी थी कि अगर पूजा ने शाहरुख का इलाज कर दिया तो वो उसे ही अपनी बहू बनाएंगे। तो यहाँ पर पूजा शाहरुख का इलाज करना शुरू कर देती है। बहुत दिनों तक वो उसके आमने सामने लटके चटके लगाती है, लेकिन शाहरुख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन शाहरुख को पूजा के चंगुल में फंसना ही पड़ता है, और यहाँ पर शाहरुख जो है वो पूजा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो उसे पसंद आ गई थी। और उनके घर में एक और लड़का था जिसे पूजा बहुत पसंद थी, और वो लड़का था अबू सलीम का सौतेला बेटा शौकीन। शौकीन को भी पूजा बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन अबू सलीम ने पूजा को अपने बेटे शाहरुख के लिए सिलेक्ट किया है, जिसके बाद अबू सलीम इस्माइली से बात करते हैं। वो उससे कहते हैं कि पूजा को मैं अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे शाहरुख को वो बहुत पसंद आई है। शाहरुख को ठीक करने में यहाँ पर करम को 10 लाख रुपए मिले थे। यहीं पर अबू सलीम के अब्बू भी होते हैं, और वो इस्माइली से कहते हैं कि अगर तुम ये शादी करवा देते हो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा,
ये सुनने के बाद इस्माइल तुरंत ही करम के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उसे सारी बातें बताता है। करम फिर से ये सारी बातें नहीं मान रहा था क्योंकि उसे पूजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपनी शादी भी करनी थी। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो शाहरुख से शादी करेगा और पैसा मिलने के बाद वो अगले ही सुबह वहाँ से भाग जाएगा। और उन्होंने ये सारी बातें जो है वो परी को भी नहीं बताई थी, जिसके बाद करम मान जाता है पूजा बनने के लिए। और अब पूजा और शाहरुख की शादी का दिन भी आ जाता है। पूजा तैयार हो रही होती है और उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन भी सता रही थी, और सबसे बड़ी टेंशन ये सता रही थी कि आखिर शाहरुख से शादी करने के बाद सुहागरात के दिन शाहरुख ने उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो क्या करेगा। जिसके बाद फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बीच में यहाँ पर करम के पास परी का कॉल आता है, जो कि फोन उसके पिता उठाते हैं और उसके पिता परी को यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बताते हैं। अब रात को सुहागरात का टाइम था, जहाँ पूजा शाहरुख के लिए दूध का गिलास लेकर जाती है और जानबूझकर उस गिलास को जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया और अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस पर कि शाहरुख उससे कहता है कि मैंने नींद की गोलियां खा चुका हूँ, इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद पूजा की सांस में सांस आती है। तो अगले सुबह पूजा यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि अबू सलीम के अब्बू इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इसलिए अब वो यहाँ पर पैसों की बात तो नहीं कर सकते थे। इसलिए अब कुछ दिनों तक फिर से यहाँ पर पूजा को उनके घर पर ही रहना था। और यहाँ पर इस्माइली की शादी भी अटक जाती है, क्योंकि घर में किसी के गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूजा जो है वो अबू सलीम के घर पर परेशान तो थी ही, साथ में सोना भाई भी उसे परेशान किए जा रहे थे, क्योंकि वो डांस बार में नहीं आ रही थी और वो भी उसे पसंद करते थे। और साथ ही वो क्रेडिट कार्ड वाला बंदा भी उसे बार बार कॉल कर रहा था, क्योंकि वो भी पूजा से प्यार करता था। और यहाँ पर पूजा सभी को संभाल रही थी। अगले दिन एंट्री होती है करम की, मतलब कि करण अभी भी किसी के सामने नहीं आया था। और जब वो सामने आया तो जुमानी, मतलब कि अबू सलीम की बेटी को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो कहती है कि सोना भाई से तलाक हो जाने के बाद वो करम से ही शादी करेगी, लेकिन करम को तो जुमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन करम के पिता जगदीप को जुमानी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, और इसलिए अब जगदीप जुमानी से शादी करना चाहता था। इसलिए वो उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर जुमानी जो है वो जगदीप को बहुत बुरी तरह से डांट कर भगा देती है। अब अगले सीन में हम पूजा को देख पाते हैं, जो कि सोना भाई की डांस बार में थी। तो यहाँ पर सोना भाई पूजा से कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम उन 2 बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी। लेकिन पूजा यहाँ पर उसे कोई भी भाव नहीं देती है, लेकिन मना भी नहीं करती है, क्योंकि उसे यहाँ पर पैसे छापने थे। तो अब जिस तरह से करम जो है वो पूजा के गेटअप में घूमता रहता है, इसलिए कभी कभी उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगी रहती है, तो कभी कभी वो लड़कियों के कपड़े लेकर घूमता रहता है। और जुमानी भी करम के ऊपर हमेशा लिपटने की कोशिश करती रहती है, और परी ये बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, इसलिए यहाँ पर परी को करम पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पूजा ये सब कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि उसके अंदर पूजा नहीं बल्कि करम है। लेकिन यहाँ पर शाहरुख जब जबरदस्ती करता है तो यहाँ पर पूजा के सर के बाल निकल आते हैं और उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है। तब वो दोनों साथ में बैठते हैं और यहाँ पर पूजा उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाती है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसी वजह से ये सब कर रहा है। करम भी उसे बताता है कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पिता की वजह से वो ये सब कर रहा था। तो अब शाहरुख भी करीम का साथ देने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद अबू सलीम के घर वालों को मालूम चलता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद अबू सलीम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शाहरुख को एक संतान हो जो कि उसका वारिस बने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए वो लोग पूजा को झड़वाने की बात करते हैं और ये सुझाव देती है कोई और नहीं बल्कि जुमानी। वो उन्हें जगह जगह पर ले जाती है और पूजा को झाड़ फूक का काम करवाती है। आखिर में वो शाहरुख और पूजा को एक नदी के पास ले जाती है और 3 डुबकी लगाने को कहती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं तो 3री डुबकी में शाहरुख ही बाहर आता है और पूजा बाहर नहीं आ पाती। तो सभी को ऐसा लगने लगता है कि पूजा अब गुजर चुकी है। और फिर अगले दिन यहाँ पर पूजा को लेकर एक शोक सभा होती है, जहाँ पर कि पूजा का भाई करम आता है और वो सभी को बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे के खातिर उसकी बहन को मार दिया गया है। वो यहाँ पर सभी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लेकिन तभी करम के पास आता है इस्माइली, और इस्माइली उसे कहता है कि तेरे और जुमानी के नकली अफेयर के बारे में परी को मालूम चल गया है और अब वो शादी कर रही है, और ये बात एकदम सच थी।
जैसे ही यहाँ पर करम उस जगह पर पहुँचता है तो उसे मालूम चलता है कि परी सचमुच ही शादी कर रही है। दरअसल में परी ने यहाँ पर करम और जुमानी को साथ में देख लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। जब वहाँ पर एक डांसिंग परफॉर्मेंस होने वाली थी तो यहाँ पर करम जो है वो एक बार फिर से पूजा बनकर आता है और सभी के सामने एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, और आखिर में वो यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है और बताता है कि एक लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक पुरलिंग को स्त्रीलिंग में बनना पड़ता है और अपना प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ करता है जो कि उसे सही लगता है, लेकिन उसका प्यार ही आगे चलकर उसे नहीं समझ पाता। वो यहाँ पर सभी को एक एक लाइन कहता है और वो सारी लाइनें जो है वो उन सभी के दिलों पर लगती है, और फिर आखिर में परी के पिता इस शादी के लिए मान जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक माई वीडियोज़।